हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अविनाश अग्रवाल एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सोर्सेज एट वन प्लेस फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस आप जैसे कि देख सकते हैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस लाइव मिंट इकोनॉमिक टाइम्स डाउन टू अर्थ पी आई योजना कुरुक्षेत्र इन प्रकार के वेरियस सोर्सेज को कवर करा जा रहा है एक ही लेक्चर के अंदर आपको सारे सोर्सेज के थ्रू पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाने लग रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करवाए जाने लग रहे हैं आई होप आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का जो है रेगुलर बेसिस पे फायदा उठाने लग रहे हैं फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स और राइट सो लेट एस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं दोस्तों की जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन है इंडिया के अंदर रिसेंटली क्रिएट करी गई थी राइट सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोजीशन के अंदर अपॉइंटमेंट करा गया है उसी अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रखा है कि विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स

कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आपको बताना है नॉर्मली कैसा होता है दोस्तों कि हम एम लक्ष्मीकांत वगैरह के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा ये सारी चीजों को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीज़ें रहती हैं जो कि हमारी ट्रेडिशनल किताबों का पार्ट नहीं बनी होती है उनको हम लोग थोड़ा सा कमजोर ले जाते हैं या उनको हम थोड़ा सा इग्नोर करके ले जाते हैं तो ये गलती नहीं होनी चाहिए सो प्लीज़ शेयर योर आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो आंसर यहां पर जो है आपका बनेगा ऑप्शन बी क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है आप लोग सब लोग जो है जरूर कमेंट्स करके शेयर करिएगा कि इन योर ओपिनियन वेयर यू वेंट रॉन्ग नॉलेज कम थी नॉलेज थी लेकिन आपने मतलब नर्वसनेस में गलती कर दी कोई भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग है उसको जरूर शेयर करिएगा राइट हिंदू के अंदर न्यूज आई थी दोस्तों जिसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है राइट कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है इज बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राइट तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इस टॉपिक को जो है आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों राइट सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एज द नेक्स्ट सी डी एस ही विल ऑल्सो फंक्शन एज द सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स तो जो सी डी एस होते हैं वो सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी रोल निभाते हैं सी डी एस वॉज क्रिएटेड इन ट्वेंटी फॉर अ ड्यूएल रोल ये जो है सीनियर मोस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर रैंक है, right? of of इनका जो रोल है वो एक कि जो क्वेश्चन हमारे को पूछा गया है वो क्वेश्चन सिक्योरिटी एंगल से नहीं पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द आइडिया ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम द आइडिया ऑफ कि कौन क्या बन सकता है राइट right? सो गवर्नमेंट इन अ रीसेंट नोटिफिकेशन उन्होंने अमेंड कराया है सर्विस रूल्स ऑफ द आर्म फोर्सेस को राइट सो सिंस इंडिया जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था हम जानते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर तब से यह पोस्ट वेकेंट है अब गवर्नमेंट ने रूल्स को अमेंड करा है ताकि इस वेकेंसी को फिलअप करा जा सके राइट सो इट वॉन्ट्स टू मेक ऑल सर्विंग एंड रिसेंटली रिटायर्ड थ्री स्टार एंड फोर स्टार ऑफिसर्स फ्रॉम द थ्री सर्विसेस अंडर द एज ऑफ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सी डी एस राइट सो ऑल सर्विंग एंड रिसेंटली रिटायर्ड थ्री स्टार एंड फोर स्टार ऑफिसर्स तो थ्री स्टार ऑफिसर यानी कि आपके लेफ्टिनेंट जनरल एयर मार्शल वाइस एडमिरल फोर स्टार ऑफिसर यानी कि सी डी एस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये आपके फोर स्टार ऑफिसर्स है राइट तो right? so जो थ्री स्टार एंड फोर स्टार ऑफिसर है दे आर एलिजिबल आप देख सकते हैं दोस्तों कि थ्री स्टार ऑफिसर्स को एनेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने आर्मी रूल्स 1954 को अमेंड करा है उसके साथ साथ गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड एक्सटेंशन ऑफ 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 सर्विस इफ डीम नेसेसरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज तो अगर सरकार को लगता है कि एक्सटेंशन देना जरूरी है तो एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है सो आई होप कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, है

आपको यह डिसाइड करना है कि एब्सोल्यूट पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर नहीं है ये आपको डिसाइड करना है इस स्टेटमेंट के हिसाब से पूरा का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है अगर सेंटर चाहे तो वो किसी भी एक्टिविटी को जो है अनलॉफुल घोषित कर सकता है थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट एज पर द एक्ट इंडिविजुअल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज टेरिस्ट ऑन सर्टन ग्राउंड प्रोवाइडेड इन द एक्ट

यू का नाम आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं या तो न्यूज़ में एडिटोरियल में या ओपिनियन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून इंडिया के अंदर है जो कि न्यूज़ में रहता है फॉर द राइट एज वेल एज फॉर वेरियस अदर रॉन्ग रीजन ऑल्सो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपकी होना बहुत जरूरी है ना केवल प्रिलम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऑल्सो फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर राइट सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी वन टू एंड थ्री राइट सो दैट इज द आइडिया दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड उसके अलावा इसका जो पूरा डिटेल है वो आपके सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दैट इज पीएफआई को एक अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया है और पीएफआई के वेरियस ठिकानों के ऊपर छापामारी करी गई है दोस्तों और ये सारी जो एक्टिविटीज करी गई है ये करी गई है थ्रू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के माध्यम से करी गई है ये इंडिया का मेन लॉ है अगेंस्ट टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज राइट सो आप देख सकते हैं दोस्तों

अगर कोई भी ग्रुप सरकार को ऐसा लगता है कि वो एनमिटी यानी कि दुश्मनी पैदा कर रहा है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स राइट तो इस प्रकार से अनलॉफुल एसोसिएशन के तौर पे उसे घोषित कर दिया जा सकता है राइट अनलॉफुल एसोसिएशन जो है वो एनकरेज कर रही है एड कर रही है पर्सनस को ताकि वो पर्सनस जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर जो है पार्टिसिपेट करें तो ये प्रकार की अगर आप एक्टिविटीज़ करते हुए पाए जा रहे हैं तो आपको अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित करा जा सकता है प्रोसेस इसका काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करा जाता है सेक्शन फोर ऑफ यूएपीए गवर्नमेंट के पास मैंडेट है कि वो नोटिफिकेशन भेज सकती है राइट टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल विद इन थर्टी डेज ऑफ द गजेट नोटिफिकेशन राइट मिनिस्ट्री विल हैव टू मेक रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ केसेस एनआईए ईडी एंड स्टेट पुलिस फोर्स रेजिस्टर्ड अगेंस्ट ठीक है उसके अलावा दोस्तों ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड और अ सिटिंग जज ऑफ़ हाई कोर्ट अब ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इसके कंसिक्वेंसेज हैं दोस्तों राइट right? कि गवर्नमेंट के पास पावर है टू प्रोहिबिट यूज ऑफ फंड्स ऑल प्लेसेस जो कि यूज़ करी जा रही है उन्हें सरकार सीज करवा सकती है तो ये सारे प्रकार के पावर्स गवर्नमेंट के पास है अंडर अनलॉफुल एसोसिएशन प्रिवेंशन एक्ट और ये जो तीनों स्टेटमेंट्स मैंने आपको पढ़ के बताए हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कहा था कि मेन्स एज वेल एज प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक है उसी प्रकार से ये वाला जो टॉपिक है भले ही आपने वन टू थ्री सही लगा दिया हो तुक्के से लगा दिया हो कैसे भी लगा दिया हो लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम मेन्स एज वेल एज फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको इसके बारे में पढ़ के रखना है क्या इश्यूज है कैसे इस लॉ को मिस यूज़ करा जा रहा है और उस को कैसे रोका जा सकता है ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 2021 के बारे में. ये एक ऐसा कानून है दोस्तों जो कि ऑलमोस्ट एवरी 10-15 डेज न्यूज में चल रहा है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही न्यूज में चलने लग रहा है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो कि इसके ऊपर निकाला गया है राइट right? इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए और डिसाइड करिए कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू ट्वेंटी रिक्वायर मेडिकल एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फोर वीक्स ऑफ जेस्टेशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ओनली मैरिड वमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द अबव एक्ट तीन स्टेटमेंट आपके सामने दे दिए हैं आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू वीक्स वन डॉक्टर ट्वेंटी टू ट्वेंटी रूलिंग के हिसाब से ओनली मैरिड आर मैरिडल्ड अब आपको यहां पर इस थर्ड स्टेटमेंट में और फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट में ये ट्वेंटी फोर वीक्स एंड ओनली मैरिड वुमेन दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पर आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स आर इन द राइट डायरेक्शन राइट तो इसके हिसाब से आपको मैंने पढ़ के बता दिया है आप सोच के बताइए कि आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर जो दोस्तों आंसर है दैट इज ए वन एंड टू ओनली अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी मालूम है और आपने सिर्फ इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कहा है राइट right, कि चाहे मैरिड वुमन हो चाहे अनमैरिड मैरिड वुमन हो दे आर ऑल इक्वली एंटाइटल टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अंडर दी पी ए दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अगर आपने सिर्फ ये न्यूज़ आइटम भी पढ़ रखा है तो भी यू विल बी इन अ पोजिशन टू बी एबल टू टेकल दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन राइट सो दट इज वाई दईडिया इज दैट आपको करंट अफेयर को uh, पढ़ना चाहिए दोस्तों राइट सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ऑल विमेन इटिवेर मराइटल स्टेटस दे आर एंटाइटल टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन राइट सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी वन अगर आप देखें ओरिजिनल कानून को देखें तो वो प्रोहिबिट करता है अनमेरिड वुमेन को बिटवीन ट्वेंटी वीक्स एंड ट्वेंटी फोर वीक्स टू तो अबॉट विद द हेल्प ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कि अनमेरिड वुमन नहीं कर सकती लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो वर्डिक्ट आया है तो उसमें ये कहा गया है कंट्री के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इपेक्स कोर्ट द्वारा दैट जो भी राइट्स मैरिड वुमन के पास अवेलेबल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत वो अनमैरिड वुमन के लिए भी अवेलेबल रहेंगे तो जो ये आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन इसे सस्टेन नहीं करा जा सकता है राइट एंड वुमेन मस्ट हैव द ऑटोनॉमी टू हैव फ्री एक्सरसाइज टू दीज राइट्स मराइटल रेप की अगर बात करें राइट सो बेंच नोटेड दैट फॉर सोल पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीनिंग ऑफ रेप मस्ट इंक्लूड मराइटल रेप ये एक अलग क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे बट जो मुझे आपको बताना है वो यहाँ पर है कि अबॉर्शन बिफोर ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आपको वन डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए अबॉर्शन अप टू और बियॉन्ड ट्वेंटी फोर वीक्स के अंदर डिफिकल्टी आ जाती है दो डॉक्टर्स एटलीस्ट एटसेट्रा का ओपिनियन चेयर रहता है बिटवीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर वीक्स दोस्तों तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर और भी थोड़ा डिटेल यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने की ये है राइट right, कि ये जो एक्ट की जो फंक्शनिंग है इस एक्ट की फंक्शनिंग के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है दोस्तों कि यहां तक क्या होगा इसके आगे क्या होगा इसके आगे क्या होगा तो ये सारी जो चीजें हैं ठीक है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है आप देख सकते हैं कि आंसर यहां पर बन गया ए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के एक और एस्पेक्ट से रिलेटेड डील कर रहा है विच इज एस्पेक्ट रिलेटेड टू मराइटल रेप कि शादी के बंधन के अंदर शादी के रिलेशनशिप के अंदर राइट right? अगर फोर्सफुल सेक्स करा जाने लग रहा है बिना इच्छा सेक्स करा जाना करवाया जाने लग रहा है तो उसे एक प्रकार से रेप माना जा सकता है मराइटल रेप माना जा सकता है राइट right? तो मराइटल रेप के इश्यू से रिलेटेड दो स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं और आपको सही आंसर चुनना है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट विक्टिम्स ऑफ मराइटल रेप विल बी ट्रीटेड एट पार अदर विक्टिम्स ऑफ रेप पर्पज ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल एज पर रीसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक वाइव्स हु कंसीव्ड आउट ऑफ फोर्स सेक्स बाय देर हजब गो फॉर एन अबॉर्शन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बडी एल्ट स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो विक्ट मराइटल रेप है दे बी ट्रीटेड एट पार विद अदर विक्ट रेप फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट एंड रूल्स ठीक है एट पार के ऊपर ट्रीट करा जाएगा एज पर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कंसिव आउट ऑफ फोर्स सेक्स दे कैन गो फॉर अबॉर्शन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ तो जो वाइव्स हैं जिन्होंने कंसीव करा है बिकॉज ऑफ फोर्स सेक्स वो अबॉर्शन करवा सकती है बिना किसी के कंसेंट के आपको यहां पर सही आंसर बताना है यहां पर जो आंसर है दैट इज डी और ये करेक्ट आंसर है दोस्तों क्योंकि यहां पर आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है शायद ऐसा हो सकता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ने सारी चीजों को पढ़ के अंडरस्टैंड करा होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट और आपने सी लगाया होगा लेकिन शायद आपने ये नहीं पूछा पढ़ा होगा कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपसे मांगा जाने लग रहा है तो जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज योर ऑप्शन डी दैट इज नीदर वन नॉर टू सो सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली गिवन इट्स वर्डिक्ट ऑन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट राइट सो अबॉर्शन मराइटल रेप ये सब जो है रेप की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे राइट व कोर्ट्स रेप ऐसा कहा है आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स जो रेप विक्टम्स विक्ट उन्हें अलाउ करता है अबॉर्शन करने का चांस तो वही प्रकार का जो चांस है वही प्रकार का चांस उनको भी दिया जा रहा है जो

उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो मराइटल रेप के जो विक्टिम्स हैं वो लोग जो है अबॉर्शन कर सकते हैं दैट्स ऑल सो इंडिया के अंदर आज भी मराइटल रेप को रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करा गया है सुप्रीम कोर्ट ने भी मराइटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करा है केवल क्लेरिफिकेशन दिया गया है दैट सो फार एज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इज कंसर्न जो आपका मराइटल रेप है उसको अक्नॉलेज करा जाएगा और उनके विक्टम्स को

विथ रेफरेंस टू द आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट नाइन एट विच ऑफ डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी राइट कौन इसे जो है डिक्लेयर कर सकता है स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को एज अ डिस्टर्बड एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी राइट दिए गए तीन में से कौन डिक्लेयर कर सकता है किसी भी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस घर में थोड़ी सी मेरी नीस थी अगर आपको कुछ आवाज आई तो आई सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी हु कैन डिक्लेयर कैन डिक्लेयर द हो स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया तो यहां पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन वन टू एंड थ्री सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इन तीनों के पास पावर्स हैं टू डिक्लेयर अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब एरिया सो अफ्पा एक्सटेंडेड इन नागालैंड और इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड करा है अफ्सपा को इन पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड फॉर अनदर सिक्स मंथ्स सो so, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दे रखा है इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन से एरिया के अंदर अफ्सपा को लगाया गया है इम्पोर्टेंट ये है यहां पर कि इस अफस्पा का जेनेसिस क्या है so, सो का जेनेसिस है इन एन ऑर्डिनेंस दैट वॉज इशूड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नाइनटीन फोर्टी टू राइट नाइनटीन फोर्टी टू के अंदर एक कानून लाया गया था ताकि जो भी रिबेल्स है इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान के जो रिबेल्स हैं आसाम और बंगाल के अंदर के जो रिबेल्स हैं राइट right? तो उन रिबेल्स को नियंत्रण में रखने के लिए जो है इस कानून को बनाया गया था सो दिस लॉ इट कंटिन्यूज टू बी एनफोर्स इन इट्स न्यू फॉर्मेट एज द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अब इस कानून के अंदर सेक्शन थ्री है जो कि बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ये डिक्लेयर कर सकते हैं होल और पार्ट ऑफ स्टेट और यूटी को एज अ डिस्टर्ब एरिया सो एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंसेस और बिटवीन मेंबर्स ऑफ रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स तो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब घोषित करा जा सकता है ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स ऑफ मेंस्ट और कम्युनिटीज सेक्शन फोर जो है वो आर्मी को पावर देता है टू सर्च प्रमाइसिस एंड मेक अरेस्ट विदाउट वॉरेंट्स राइट फोर्स यूज कर सकती है आर्मी राइट right? अगर कोई डेथ भी कॉज हो जाए तो भी फोर्स यूज कर सकती है ताकि आर्म्स एमिनेशन को डिस्ट्रॉय करा जा सके फोर्टिफिकेशन शेल्टर्स हाइड आउट्स को डिस्ट्रॉय करा जा सके सर्च और सीज कर सकती है वेहीकल्स को बहुत सारे और भी पावर यहाँ पर दे रखें बट मैंने आपको एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है और पॉइंटेड क्वेश्चन ये है कि हर बार हम लोग न्यूज़ में केवल ये पढ़ते हैं कि अफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया है अफसपा को एक्सटेंड कर दिया गया है अफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया गया है ऑब्वियसली ये मेन्स एज वेल एज फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको एटलीस्ट इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि ये जो अफ्सपा को एक्सटेंड करने का पावर है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का जो पावर है वो पावर किसके हाथों में है कौन सी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन या बॉडी या पोस्ट के हाथों में ये प्रकार का पावर दिया गया है यह आपको डिसाइड करना चाहिए अबाउट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई राइट सीबीआई के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है सीबीआई

टॉपिक है मैं आप लोगों को ऐसा लग रहा रहेगा कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक के लिए ये कह रहा हूं कि ये प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों कि ये टॉपिक्स प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कोई भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए वन एंड टू काफी आसान बन जाता है ये क्वेश्चन अगर आपको मालूम होता कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं काम करती है सीबीआई सीबीआई जो काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवां के अंतर्गत जो है वो काम करती है सो ऑपरेशन गरुड़ा को लॉन्च करा गया है सीबीआई द्वारा जो कि एक इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बस्ट करने का ऑपरेशन है राइट सो इसमें इंटरपोल एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एटसेट्रा के कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेशन को साथ में लेकर जो है काम करा जाने लग रहा है ठीक है सीबीसी लोकपाल को सीबीआई असिस्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एटसेट्रा के अंतर्गत काम करती है नोडल एजेंसी इंडिया के अंदर जो, जो कि कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग सीबीआई जो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपने को मालूम होनी चाहिए दोस्तों मूविंग अहेड स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया गया है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है जो कि इंडिया के अंदर ऑन एन एनअल बेसिस सैनिटेशन का क्या स्टैंडर्ड है का क्या स्टैंडर्ड है उसको मेजर करने के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के अंदर हमारे को हेल्प करता है तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको जो है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है स्वच्छ सर्वेक्षण को इंट्रोड्यूस करा गया था एज अ कॉम्पिटेटिव फ्रेमवर्क टू एनकरेज सिटीज टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ अर्बन सैनिटेशन इसे इंप्लीमेंट करा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा इंदौर को एडज करा गया है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी फॉर सिक्स टाइम इन अ रो एट द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन इंप्लीमेंट कर रहा है क्या है और इसके ऊपर जो टॉप मोस्ट पोजिशन के ऊपर जो शहर है वो कौन है ये अपने को यहां पर बताना है दोस्तों सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसीलिए करेक्ट है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है देअर फोर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी सो इंदौर को जज करा गया है एज क्लीनेस्ट सिटी फॉर सिक्स टाइम इन अवर ओ राइट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट पोजिशन के ऊपर है हरियाणा सेकेंड थर्ड पोजिशन के ऊपर है राइट right? uh, उसके अलावा आप देख सकते हैं राइट सो वेरियस वेरियस कैटेगरीज बना रखिए दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ लेकिन ये जो सर्वे है उसका बेसिक डिटेल आपने को जरूर मालूम होना चाहिए राइट right? कि ये जो सर्वे 2016 के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर उन्होंने स्टार्ट करवाया था राइट right? ये जो हमारी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की स्कीम है उसके अंतर्गत इसे जो है इम्प्लीमेंट करा जाने लग रहा है दोस्तों

अटेन कर लिया है क्या जेंडर इक्वालिटी अटेन कर लिया है हमने अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी अटेन कर लिया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन या फिर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सो आई एम श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा लॉजिकली डील करेंगे सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू अराइव एट द आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन राइट सो एस डी जी गोल नंबर सिक्स जो है राइट इट डील्स विद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इलेवन ईयर्स बिफोर द डेड लाइन ऑफ ट्वेंटी थर्टी इसे अचीव कर लिया गया है राइट right. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जो है इसका श्रेय जाता है इसका पूरा डिटेल भी यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके बारे में हमारे पास आइडिया होनी चाहिए दोस्तों सो so ये था हमारा पूरा डिस्कशन आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस हैं जो कि प्री एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्सेज के अंदर इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ाया जाता है उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे दोस्तों थैंक यू वेरी मच ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यूस्त